हेलो। लास्ट लेक्चर में टाइम लिमिट की वजह से मैं पूरा आंसर ओवर नहीं कर पाया था। दो तीन बच्चों ने मुझे बताया था कि सर थोड़ा सा बाकी रह गया है। यस आई नो। और जिन्होंने बताया उनको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोगों ने एटलीस्ट पढ़ा तो सही कि सर कहाँ पे अटके हुए हैं, कहाँ तक का कंप्लीट हुआ है। चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत रिवाइज ले लेते। सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था। उनके 14 सिद्धांत कौन से थे? तो पहला ही था डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड कर दो। सेकंड पॉइंट था अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी। अथॉरिटी टू वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव द वर्क। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 देखेला डिसिप्लिन, उसमें दो पॉइंट देखेले सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन एंड नंबर 2 इज कमांड डिसिप्लिन। उसके बाद देखा था यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड देने वाला एक ही होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दिशा दिखाने वाला एक होना चाहिए। स्केलर चेन डिपेंड करता है सिचुएशन पे। सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण, द्विकेंद्रीकरण, वो भी डिपेंड करता है तुम्हारे बिजनेस पे। बराबर, ये सब अपने 10 पॉइंट 11 पॉइंट तक कवर किए थे। आज अपने पूरा करेंगे, उसके बाद थोड़ा लेक्चर भी लंबा लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। पर्सोनल का मतलब मैंने पहले भी रिपीट कर दिया है, आप फर्स्ट सेमिस्टर में पढ़ भी चुके हो। पर्सोनल का मतलब होता है एम्प्लॉई हु आर वर्किंग इन योर बिजनेस। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या है? तो हेनरी फेयोल ने ऐसा बताया था कि अगर अगर तुम्हारा एम्प्लॉई आपके बिजनेस में स्टेबल नहीं रहता, छोड़ के चले जाते हैं, बदलाते रहते हैं, तो आपका काम एफिशिएंट नहीं होगा। उन्होंने बताया कि अननेसेसरीली फालतू में किसी को भी निकालो मत। क्लियर? जैसे पढ़ते, एम्प्लॉय के नॉट वर्क इफेक्टिव एफिशिएंटली अनलेस जॉब सिक्योरिटी इज गिवन टू हिम। जब तक कॉमन है उनको तुम सिक्योरिटी नहीं दोगे, परमानेंट नहीं करोगे, तो कॉमन वो लोग सिक्योर नहीं रहेंगे। उनको भी डर रहेगा कि भाई हमारी जॉब का क्या, निकाल दिया तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने बताया उनको जॉब सिक्योरिटी दो, तो एक उनका दिल का सेटिस्फेक्शन बना रहेगा। नो एम्प्लॉय शुड बी रिमूव अननेसेसरी विद इन अ शॉर्ट पीरियड। सीधा ही मैंने पहले ही बताया किसी को भी निकालने की जरूरत नहीं है अगर इमरजेंसी या फालतू की कोई जरूरत ना हो। एन एम्प्लॉय कैन नॉट रेंडर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सर्विस इफ ही इज रिमूव फ्रॉम द जॉब बिफोर ही गेट यूज्ड टू इट। कोई भी एम्प्लॉय को तुम वहां तक मत निकालो जब तक वो तुमको अच्छे से काम करके दे रहा है। इन शॉर्ट उन्होंने बोलने का मतलब ये था शॉर्ट में कि एम्प्लॉय जो आपके वहां काम कर रहे हैं वो तुम्हारे टायर्ड पीपल है। ट्राइड, TRI वाला नहीं, TRIED, TRID नहीं, TRI, के जिसपे तुमने ऑलरेडी अखतरे कर चुके हो, जो तुम्हारी कंपनी की पॉलिसी से मौकूफ है, जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन को जानते हैं, तो उनको तुम अननेसेसरीली निकाला मत करो। जितना एम्प्लॉय आपका स्टेबल रहेगा आपका ऑर्गेनाइजेशन उतना स्ट्रांग रहेगा। तो ये है आपका स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि भाई एम्प्लॉय आपके वहां काम कर रहे हैं, आपके वहां जो लोग काम कर रहे हैं, तो उनको फ्रीडम दो थोड़ी सोचने की, उनको प्लानिंग के अंदर इंक्लूड करो। पार्टिसिपेशन, इन शॉर्ट में क्या होता है, पार्टिसिपेट रखो, उनकी सलाह लो, उनको पूछो, उनसे जानकारी लो। हो सकता है उनके पास कोई एफिशिएंट प्लान हो सकता है उनके पास काम करने के तरीके में कोई इम्प्रूवमेंट हो, बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन दैट पॉइंट, उनको पता है क्या करना है। बिकॉज हम तो सिर्फ प्लानिंग ही कर रहे हैं, एक्चुअल वर्क तो वर्कर करेंगे। तो इन्होंने यही भी बताया कि वर्करों को इन्वॉल्व करो, पार्टिसिपेट करो, इन्वॉल्व करके रहो, ताकि हो सकता है कि उनकी सजेशन से आपके बिजनेस को कोई फायदा हो जाए। देखो लिखा हुआ है, इनिशिएटिव मीन्स फ्रीडम टू थिंक एंड एग्जीक्यूट अ प्लान विद इन द लिमिट ऑफ अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन, यानी उनको उनकी हद में लेके इन्वॉल्व करो। सबोर्डिनेट यानी जो हाथ के नीचे काम कर रहे हैं, शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू टेक इनिशिएटिव इन मेकिंग एन एग्जीक्यूटिव ऑफ प्लान। जब भी तुम कोई प्लान बनाते हो तो उनको इन्वॉल्व करो, उनको
डिसीजन लेने में पार्टिसिपेट करवाओ। इससे क्या होगा, दे शुड बी एनकरेज टू मेक ऑल काइंड ऑफ सजेशन, दिस इंक्रीजेस देयर जील एंड एनर्जी ऑफ एम्प्लॉय। इससे क्या होगा, उनका एक प्रोत्साहन, उनका जो उत्साह होता है वो बढ़ जाएगा कि कंपनी हमको एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो पूछ रही है। क्लियर। एंड लास्ट पॉइंट इज एस्पिरिट डी कॉर्प, यानी स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। अब कॉमन हम सब जानते हैं, यूनिटी, एकता, उसमें ही ताकत है। इसका मतलब क्या होता है कि अपना ऑलरेडी पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी वे डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल आर वर्किंग ऑन अ सेम ग्राउंड टू अचीव सेम ऑब्जेक्टिव। अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं तो कॉमन है, अलग अलग प्रकार के लोगों के तो सबकी थिंकिंग वो भी अलग होगी, मगर बिजनेस का मकसद तो क्या है, काम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव अचीव होनी चाहिए, प्री डिटरमाइंड गोल अचीव होने चाहिए। तो ये सब मुमकिन कब होगा, जब उनके बीच में सहकार होगा, स्ट्रेंथ होगी, वो लोग यूनाइट होंगे। देखो लिखा हुआ है, द मैनेजर्स विल डेवलप टीम स्पिरिट अमोंग द एम्प्लॉई, यूनिटी इन द स्टाफ इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फेल सजेस्ट टू थिंग, नंबर वन द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, तोड़ो ने राज करो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में तुमको सबको लेके चलना पड़ेगा, सबका काम होना जरूरी है। एंड पॉइंट नंबर टू, वर्बल कम्युनिकेशन शुड बी यूज फॉर रिमूविंग मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई अनबन हो जाती है, तो वर्बली करो, वर्बली मीन्स ओरली। ऐसा नहीं कि भाई अपने मन से बैठे बैठे डिसीजन ले लिया ने चल गया। तो ये अपना अधूरा जो क्वेश्चन था वो ओवर करा। इसमें मैं इसके लिए डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये सब आप ट्वेल्थ में भी पढ़ चुके हो, फर्स्ट ईयर में भी आप इसको पढ़ चुके हो। क्लियर। तो ये तुम्हारा पहला आईएमपी क्वेश्चन ओवर हुआ। आज मैं आपको दो क्वेश्चन ओवर करूंगा, आपको दोनों दो क्वेश्चन की तैयारी करनी है, दोनों दो क्वेश्चन पूरे करने। पहला क्वेश्चन आता उसमें मैनेजर रोल्स, मैनेजर के रोल्स क्या है। जनरली ये क्वेश्चन 15 मार्क में भी आ चुका है, 8-8 मार्क में शॉर्ट नोट में जनरली पूछा जाता है कि भाई मैनेजर के रोल्स क्या है। मैनेजमेंट रोल्स के बंदे तुम बोलेंगे मैनेजरियल रोल्स, मैं थोड़ा सुधार देता हूँ, मैनेजमेंट रोल के बदले MAGERIAL, मैनेजरियल रोल्स, मैनेजर के रोल्स क्या है। यहाँ पे आपका MCQ सेट होता है। मिंटबर्ग has defined the roles of manager to identify what manager do in the organization. बराबर। तो इनको देने वाले जो ऑथर का नाम है वो है मिंटबर्ग। उन्होंने क्या बताया कि मैनेजर के क्या क्या काम होते हैं, मैनेजर को क्या क्या रोल का मतलब ड्यूटी। कि जैसे मेरा रोल क्या है कि अभी ऑफलाइन क्लास पॉसिबल नहीं, तो मेरा रोल क्या है कि आपका पढ़ाई ना बिगड़े, आपका एजुकेशन ना बिगड़े, तो आपको कुछ ना कुछ सहूलियत प्रोवाइड करते रहूं। तो मेरा रोल क्या, ऑफलाइन नहीं तो भाई ऑनलाइन, बेटा ऑनलाइन नहीं तो यूट्यूब, कोई ना कोई तो मेरे को काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं काम नहीं करूंगा तो आप लोगों को एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी तरह बिजनेस के अंदर मैनेजर होते हैं, उनके भी बहुत से काम करने पड़ते होते हैं। देखो रोल की डेफिनेशन भी दी है, द पैटर्न ऑफ बिहेवियर विच इज डिफाइंड फॉर डिफरेंट पोजिशन, सिंपल लैंग्वेज में द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ अ पोजिशन। यानी जिस प्रकार की आपकी बिजनेस में पोजिशन होगी, जो प्रकार के, जो लेवल पे आप काम कर रहे होगे, वो हिसाब से आपको अपना रोल पूरा करना है, रोल को, अपने पात्र को, अपने रोल को बजाना है। क्लियर। देखते हैं, जो सेकंड पैराग्राफ है वो नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, कोई काम का नहीं है। अब मिंसबर्ग ने क्या करा, तो मिंसबर्ग हैड आइडेंटिफाइड द 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ रोल। उन्होंने क्या करा, मैनेजर के रोल को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 3 कैटेगरी। कौन सी है, तो पहला आता इंटरपर्सनल रोल, दूसरा आता इंफॉर्मेशनल रोल, और तीसरा आता है डिसीजनल रोल। बेसिकली मेन पॉइंट आप पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इन ईच कैटेगरी ऑफ रोल देर आर वेरियस रोल। इसका मतलब क्या होता है कि इंटरपर्सनल के अंदर भी अलग अलग काम होते हैं, इंफॉर्मेशन रोल के अंदर भी उसको अलग अलग काम करना है, डिसीजन रोल के अंदर भी उसको अलग अलग काम करना है, यानी हर रोल के अंदर कुछ ना कुछ अलग अलग करना है। तो देखते कौन से रोल है। तो पहला रोल आता है आपका इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल रोल का मतलब क्या होता है, तो इंटरपर्सनल का मतलब क्या होता है कि भाई एज ए मैनेजर हूँ
बराबर, तो मेरे को अलग अलग लोगों से मिलना है, अलग अलग लोगों से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें बिजनेस के अंदर के हो या बिजनेस के बाहर वालों से हो, मेरे को अलग अलग काम करना है, तो उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल रोल। देखो देखते हैं, अ मैनेजर हैज टू इंटरेक्ट विद अदर पर्सन बोथ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर एज वेल एज आउटसाइडर। हियर मैनेजर परफॉर्म थ्री डिफरेंट रोल, कितने रोल है, तीन रोल है, नंबर वन फिगर हेड, नंबर टू लीडर, नंबर थ्री लायजर। देखते तीनों तीन। फिगर हेड का मतलब क्या होता है, फिगर हेड का मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप में से किसी ने बताया किसी की एंगेजमेंट है, तो आपने इनविटेशन कार्ड पे लिख दिया सीआर क्लासेस, तो भाई सीआर क्लासेस तो शादी में थोड़ी आएगा, सीआर क्लासेस तो एंगेजमेंट में थोड़ी आएगा, सीआर क्लासेस के बिहाफ पे फिगर हेड इंसान कौन है, तौसीफ सैयद, तो तौसीफ सैयद अपनी सीआर क्लासेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो लिखा हुआ एज अ फिगर हेड A manager has to perform certain activities of ceremonial and symbolic nature, which include greeting, attending social function of employee, handing out merit certificate. Merit certificate का मतलब क्या होता है कि अगर अपने क्लास में कोई बच्चा ATI आया, अपने क्लास का कोई बच्चा गोल्ड मेडल लेके आया, तो उसको मेरी तरफ से कोई इनाम दूंगा, तो भाई मैं ही दूंगा ना, तो क्लास का फिगर हेड इंसान कौन है, मैं हूँ, जैसे लिखा हुआ है अवार्ड टू आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉई, ये सब काम कौन करता है, मैनेजर करता है, क्लियर, एज अ लीडर, एज ए फिगर पर्सन। पॉइंट नंबर टू इज लीडर, लीडर का मतलब क्या होता है, तो याद रखना लीडरशिप के लिए तीन क्वालिटी का होना जरूरी है। पॉइंट नंबर वन, अपने सबऑर्डिनेट से काम लेना। पॉइंट नंबर टू, काम लेने के लिए उनको मोटिवेट करना। पॉइंट नंबर थ्री, अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनको कंपनसेट करना। लीडर का काम यही होता है ना कि लोगों के जरिए काम लेना, अपने एम्प्लॉय के जरिए काम लेना। देखो लिखा हुआ है अंडर दिस रोल ही विल लीड हिज सबऑर्डिनेट एंड मोटिवेट देम फॉर विलिंगफुल कंट्रीब्यूशन। सबऑर्डिनेट विल गिव देयर कंट्रीब्यूशन ओनली ओनली व्हेन दे फील एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर इन देयर मैनेजर। सीधी सी बात है ना भाई कि तुम लोग काम कब करोगे, जब मैं तुमको अच्छी तरीके से, तुमको मेरे पर भरोसा होगा, या तो मैं अच्छी तरीके से आपको मोटिवेट करूंगा, लीड करूंगा, क्लियर। सीधा बता है कि लीडर का काम यही होता है लोगों से काम लेना, मगर लोग भी काम तभी करेंगे जब उनको अपने लीडर का बिहेवियर अच्छा लगेगा। ये पॉइंट नंबर टू हुआ लीडर, पॉइंट नंबर वन था फिगर हेड, पॉइंट नंबर टू हुआ लीडर। अब पॉइंट नंबर थ्री लायजन, लायजन का मतलब क्या होता है, लिंक, क्या होता है, लिंक, कनेक्टिंग लिंक, लिंक जोड़ने वाला। A manager is a connecting link between organization and outsider, या तो between his unit and other unit. The main objective of this role is to maintain a link between organization and external environment. क्योंकि manager को ही काम करना पड़ता है ना, manager जो होगा, जो top level का होगा, जिसको ये authority दी होगी, वही वहां से data collect करेगा, अपने employee को दूसरे employee के साथ सरखमणी करेगा, बाहर वालों से ऑर्डर लाएगा, अपने एम्प्लॉय से काम करवाएगा। तो इसका मतलब मैनेजर एक इंसान, एक जात की लिंक है। ये तुम्हारा पहला टॉपिक कवर हुआ इंटरपर्सनल रोल, क्लियर। कितने पॉइंट है, तीन, फिगर हेड नंबर टू, लीडर नंबर थ्री, लायजन, क्लियर एवरीवन। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशनल रोल, माहिती कलेक्ट करने वाला, माहिती एकत्रित करने वाला और माहिती को डिसबर्स करने वाला, बांटने वाला, सौंपने वाला, कि भाई ये काम तुम्हारा है, तुमको करना, वो भी मैनेजर का, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशनल रोल्स। देखते इंफॉर्मेशनल रोल्स इंक्लूड कम्युनिकेटिंग लाइक गिविंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस के अंदर से या बिजनेस के बाहर से माहिती कलेक्ट करने वाला। इंफॉर्मेशन रोल इंक्लूड थ्री टाइप ऑफ रोल सच एज मॉनिटर, डिसेमिनेटर, डिसेमिनेटर एंड स्पोक पर्सन। स्पोक पर्सन आपको पढ़ने में ही समझ में आ जाएगा, बोलने वाला, मगर ये दो चीज नवी है, मॉनिटर और आता है डिसेमिनेटर। मॉनिटर का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे मॉनिटर का मतलब क्या होता है कि एज ए मैनेजर, देखो देखते पहले मैं आपको समझा दो, बाद में अपने इसको देखते तीनों तीन को। एज ए मैनेजर उसको कॉन्स्टेंटली मार्केट और इकोनॉमी के टच में रहना पड़ेगा ना, जहां जहां से इंफॉर्मेशन मिलती है उसको कलेक्ट करना है।
देखो लिखा हुआ, इन मॉनिटरिंग रोल अ मैनेजर कॉन्स्टेंटली कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट फैक्टर विच अफेक्ट हिज बिजनेस एक्टिविटी. दिस फैक्टर मे बी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड. बिजनेस के अंदर की तकलीफ देने वाली या अफेक्ट करने वाली हो या बिजनेस के बाहर की हो, तो एज अ डिसेमिनेटर मॉनिटर उसको इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है. क्लियर, माहिती एकत्रित करने को बोलते हैं मॉनिटर. सेकेंड वन इज डिसेमिनेटर. डिसेमिनेटर, अब पहले में क्या करा, माहिती को कलेक्ट करी. डिसेमिनेट का मतलब माहिती को डिस्ट्रीब्यूट करना. एज अ डिसेमिनेटर मैनेजर डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन टू हिज सबॉर्डिनेट. दिस सबॉर्डिनेट मे अदरवाइज नॉट इन द पोजिशन टू कलेक्ट इट. क्योंकि कॉमन है, तुम्हारा रोल ही है वर्कर को माहिती देना, भाई ये काम तुझे करना है, ऐसा करना है, इस प्रकार करना है. डिसेमिनेट करनी पड़ेगी क्योंकि वर्कर तो क्या बोलेंगे, भाई हमको जो ऑर्डर मिलेगा हम वही काम करेंगे, वो खुद को इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट करने वाले नहीं है ना, उनकी ड्यूटी भी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है. तो मैनेजर क्या करेगा, मॉनिटर कलेक्ट करेगा, डिसेमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, काम करो. थर्ड वन इज स्पोक पर्सन, फिगर हेड जैसा. स्पोक पर्सन बोलने वाला इंसान. एज अ स्पोक पर्सन अ मैनेजर रिप्रेजेंट हिज यूनिट और हिज ऑर्गेनाइजेशन. अगर कंपनी के तौर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि भाई मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है, तो बरोड़े के अंदर मैंने एक पर्टिकुलर मिस्टर ए को काम सौंपाया, तो बरोड़े के तौर पर मिस्टर ए काम करेगा, अहमदाबाद के तौर पर मिस्टर बी काम करेगा. तो वही बताया, रिप्रेजेंट हिज यूनिट और हिज ऑर्गेनाइजेशन, या तो पूरे बिजनेस को, वाइल इंटरेक्टिंग विद अदर. अब अदर में कौन आ गए, कस्टमर आ गए, बैंक वाले आ गए, फाइनेंशियल आ गए, व्यापारी आ गए, कस्टमर आ गए, गवर्नमेंट एजेंसी आ गई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ गया. तो ये सब लोगों के सामने बोलने वाला इंसान वही होगा. ये तुम्हारा सेकंड रोल हुआ, मॉनिटर, डिसेमिनेटर, नंबर थ्री स्पोक पर्सन. क्लियर, अगेन रिपीट करता हूँ, कौन से, इंटरपर्सनल रोल. इंटरपर्सनल रोल नंबर टू, इन्फॉर्मेशनल रोल. अब नंबर थ्री, डिसीजनल रोल. ये तो तुम पेट भर के गप्पे मार सकते हो मेरे से अच्छा, क्योंकि हमेशा निर्णय तो आप लोग लेते हो, मैं तो कठपुतली हूँ, तुम नचाओ मैं नाचूंगा. तो डिसीजनल रोल का मतलब क्या होता है, तो डिसीजनल रोल का मतलब होता है निर्णय लेने वाला. तो यहाँ पे उसको चार काम दिए गए, नंबर वन एंटरप्रीनर, नंबर टू डिस्टर्बेंस हैंडलर, नंबर थ्री रिसोर्स एलोकेटर एंड नंबर फोर नेगोशिएटर. अब एंटरप्रीनर का मतलब क्या होता है, तो एंटरप्रीनर का मतलब तुम सब जानते हो, एंटरप्रीनर का मतलब वो इंसान जो, तुम्हारी पहले लैंग्वेज बता दो, एंटरप्रीनर प्रॉपर किसको बोलते हैं, जो एक जगह से जमीन लाता है, लैंड, एक जगह से लेबर लाता है, एक जगह से कैपिटल लाता है और खुद मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बना के बेचेंगे, बेचने के बाद जो पैसा आता है तो लैंड वाले को रेंट देगा, लेबर वाले को वेजेस देगा, कैपिटल वाले को इंटरेस्ट देगा, ना जो बचेगा उसका प्रॉफिट है ना. ओरिजिनल जो रिस्क लेने वाला इंसान है वो भी एंटरप्रीनर, ऐसा भी बोल सकते हैं. देखो अंदर क्या लिखा है, एज ए मैनेजर अ मैनेजर टेक डिसीजन एंड बियर रिस्क इन रिजल्ट ऑफ दैट एक्शन. सच एक्शन एंड रिजल्ट आर अफेक्टेड बाय द वैरायटी ऑफ फैक्टर इन एनवायरमेंट. द एनवायरमेंट फैक्टर आर डायनामिक. डायनामिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, चेंजेबल. So manager has to bring necessary change in the organization as per the need of environment. यानी जैसा वातावरण change होता है वो हिसाब से उसको काम करना है. The entrepreneur is the person who bears the risk of uncertainty. इसका मतलब common है, business में owner को risk तो लेना पड़ता है, क्योंकि higher the risk higher the return. जो तुम business करते हो, business भी कैसा है, uncertain, अनिश्चित है, कुछ कह नहीं सकते. Point number two, डिस्टर्बेंस हैंडलर. डिस्टर्बेंस हैंडलर का मतलब क्या होता है, अ मैनेजर मस्ट कीप बैलेंस अमंग वेरियस फोर्सेस एंड इवेंट विच आर लाइकली डिस्टर्ब द ऑर्गेनाइजेशन इक्विलिब्रियम एंड नॉर्मल वर्किंग. जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर टाइम पे माल नहीं पहुंचा तो काम में रुकावट आ सकती है, अगर वर्करों ने स्ट्राइक कर ली तो किसी का ऑर्डर पूरा करने में रुकावट आ सकती है, अगर कोई एम्प्लॉय की बार बार कंप्लेन आ रही है तो भी बिजनेस में अफेक्ट पड़ सकता है, अगर कोई दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, मगजमारी हो गई, ये भी प्रॉब्लम है. तो एज ए मैनेजर उसको ये सब डिस्टर्बेंसों को हैंडल करना है, सही तरीके से सॉल्व करना है. क्लियर, उसको बोलते हैं डिस्टर्बेंस हैंडलर.
पॉइंट नंबर थ्री इज रिसोर्स एलोकेट, जो अपने ऊपर पढ़ चुके थे. रिसोर्स मीन्स वस्तु, एलोकेट का मतलब बांटना. तो मैनेजर ही वो इंसान है भाई, रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है,